हाँ भी संधू, की हाल चाल है? और महाराज जी को खुशखबरी देनी सी, मैं थाने से दोबारा पिकअप हो गए हैं। हाँ भाई, कोई काम को मैं दसी है, है? थाने से बड़ा मंदा चल रहा है, कोई आवे था यार, जरा फिर खुशियां मनावांगे अपा, है? हाँ 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 शामी मिलते हैं फिर अपा, है? मुंडे ने कोई जरा गिलास धो के रगड़ के रखे हैं, फिर जरा टकावांगे, है? ओके वेल डूड, व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द दिल्ली में, व्हाट प्रॉब्लम इज द AOE, खचर पचर। वेल, तुम सुनाना चाहते हो मुझे गाना इस दा? तुम्हारी आवाज से गूंज उठेगा पूरा थाना इस दा? क्या सुनाओ? आयो मायो आयो मायो, इंगली पिंगली चिंगली पिंगली, खचर पचर खचर पचर, इंगली पिंगली चिंगली पिंगली, आयो मायो आयो मायो, खचर पचर खचर पचर, खचर पचर खचर पचर। आज मौसम भैया, वक्त कैसे गुजर जाता है कुछ पता नहीं चलता ना। चुप कर चुप कर चुप कर, मेरे दिमाग का कचुंबर का डाला इसदा, अभी अभी गाना सुना के गए तुम्हारा साला इसदा। यो कमाल है भैया, फिर भी आप होश में हैं। मुझे एक बार सुनाया था उसने कोई गाना, मैं गैस तो नहीं कर पाया, लेकिन मैं एक हफ्ते तक बेहोश था। वेल मैडम, अरे पदादा जी, मैडम कहाँ है? यहाँ रुकी मैडम, तू फिर आ गया? फिर किसी के डैडी और भाई ने तेने सूट तो नहीं दिया? अरे नहीं मैडम, अब की बार तो है ना मेरी कस के पिटाई होने वाली है, मतलब तकरीबन 6 महीने तक मैं हॉस्पिटल में एडमिट होने वाला हूँ। मच्छर मनचला है, मक्खी का नाम कला है। Why is that? मत करो कराई is that? अरे परदादा जी, आए, 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 आए। रो नहीं तो और मैं क्या करूं? अब की बार मुझे लेटर आया है। क्या तुमने खुद को ही लव लेटर लिख डाला? इतना फ्रस्ट्रेशन? अरे नहीं, बल्कि मुझे लेटर में ये लिखा गया है कि कल दोपहर को 2 बजे तक टिंचू पार्क है ना, वहां पे एक डस्टबिन है, वहां पे उसमें मुझे 1,00,000 रुपए डालने हैं। अगर मैंने 1,00,000 रुपया नहीं डाला ना, तो वो हड़कम पहलवान है ना, उसकी बेटी को लव लेटर लिखा जाएगा, वो भी मेरे नाम से। मैडम बाद में आप सोच लीजिए कि वो हड़कम पहलवान मुझे कितना मारेगा, मेरी क्या हालत बनाएगा। मच्छर मनचला है, मक्खी का नाम कला है। तो यो बात हो रही है, हैं थारे ने ब्लैकमेल किया जा रहा है। कोई ना, तू कल आ जाइयो टिंचू गार्डन में 1,00,000 रुपए लेके, ठीक है? और हम सब वहीं मौजूद होंगे, और जैसे ही वो आएगा हम सब उसने धर लेंगे। देखते हैं कौन आता है यो बैग लेने। उठ जा, मर जाएगा वो। ओ बिल्लू।
बोल 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 क्योंकि क्या संबंध है तेरा उन ब्लैकमेलरों के साथ? क्या इस दिन के लिए मैंने तुझे जन्म दिया था? पापा वेल नहीं नहीं मतलब इस दिन के लिए मैं तुझे चौकी लाया था क्या? हियरिंग वेल तुम क्यों गए उठाने पैसा इसदा? क्यों किया ऐसा इसदा? हा हुआ आयो मायो खचर पचर खचर पचर क्या खचर पचर क्या खचर पचर तू कुछ बोलता है उसको समझ आती है? मुझे समझ में आता है। सॉरी सॉरी हाँ तो भाई मालपुआ बोल ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई थी तेरी जो तूने यो काम किया? बताता हूँ मैडम बताता हूँ। दरअसल मुझे भी एक लेटर आया था। वेल व्हाट इज द लेटर इज द खुल के बोलो क्या है मैटर इज द? गोपी अंकल मैटर ये है कि मैं अपनी छत के ऊपर टी शर्ट निकालकर तेल की मालिश करवा रहा था। लो तभी किसी ने मेरी फोटो खींच ली और बस उसी फोटो के साथ एक लेटर भी भेज दिया कि वो कौन सा गार्डन है टिंचू टिंचू गार्डन में जाकर बैग उठाना है पैसों भरा और अगले चौराहे पे जाके रख देना है। अगर मैंने ऐसा नहीं किया ना वो मेरी फोटो का पोस्टर बना के पूरे शहर में बंटवा देगा। ओह माय गॉड मैडम 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 तो फिर आ गया। मैडम मुझे फिर से एक लेटर मिला है इसमें लिखा है कि तुम है ना पुलिस वालों को टिंचू बाग में लेकर आए थे ना तो अब तुम्हें 1,00,000 के जगह 5,00,000 रुपए देने पड़ेंगे। मच्छर मन चला है मक्खी का नाम कल है। मैडम अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। यो जो कोई भी है बहुत जल्द सलाखों के पीछे होगा। और यो ज्वालामुखी का वचन से ओ बिल्लू बिलौटी आज तो बहुत सुंदर लग रही हो। आज से क्या मतलब कहीं मैं सुंदर नहीं लगू हूँ? लगते हो लेकिन वो क्या हर वक्त पे जो तुम चीखती चिल्लाती रहती हो ना लेकिन मुझे पता है कि तुम ये जो हरकतें करती हो ये खुद की नहीं है तुम्हारी ये तुम्हें सिखाई जाती है वो तुम्हारी माँ सिखाती है वो है असली खिलाड़न। धीरे बोलो मारी मम्मी सुन लेगा। हाँ सुन ले तो सुन ले क्या मुझे क्या डर पड़ा क्या उसका बुढ़िया का तुम देख लेना। आयो मायो खचर पचर सब सुन लिया इबारा किबारा खचर पचर तू जाके सब कुछ अपनी माम यानी कि मेरी सासू माँ को बता देगा। मैं तो बोला ही नहीं मैं तो कुछ बोला ही नहीं मैं तो भूला हुआ था। करेला ले लो मुझे कुछ ये क्या कारा ये तुम्हारा भाई आता भाई कर रहा है मेरे साथ। आयो मायो ए इंकली पिंकली चिकली ए पप्पू बड़ों की इज्जत करते हैं ए अबुरा कबुरा कबुरा क्या कबुरा ए ए हारो मारो नारो ए बाथरूम में क्या ए पप्पू ए ये बाथरूम ए बाथरूम है ए पप्पू ए खोले यार क्या बाथरूम में थोड़ी ना बंद करते किसी को यार इज्जत होती है किसी की थोड़ी सी तो आयो मायो खचर पचर यार एक चम्मच इज्जत दे दो खोल दो यार प्लीज खोल दो पानी नहीं है बाथरूम में प्लीज खोल दो प्यास लगी है मुझे। मैं हूँ। थैंक यू बेटा तूने मेरी लाज रख ली मैं कैसे बोलूं तो क्यों पंगा लिया है पता नहीं है कैसी है मम्मी। वो तो ठीक है बेटा लेकिन अब जो मेन बात तुझे ध्यान रखनी है ना वो ध्यान रख लेना कि ये बाथरूम के बाद दबा देना बस ये ना उठ जाए मेरी बहुत बेइज्जती होगी। मैं बता रहा हूँ बाकी तो वो पप्पू ना वो पता नहीं मेरे किन जन्मों के कर्मों का नतीजा कि वो बना है मेरा साला और मैं उसको जीजा उसको मैं नहीं छोड़ूंगा उसको मैं अब दिखाऊंगा कि जीजागिरी क्या होती है। मैं अब देखना बेटा तू देख बस बदला देख। रिलैक्स मामा हैं कल चौकी में मिलते हैं।
पप्पू अब तू इतना बोलेगा ना कि बोलने वाले शर्मा जाएंगे। आयो मायो ए ओ ई इंगी पिंगी चिंगी खचर पचर। अगर भागने की कोशिश की तो मैं तुझे भून के रख दूंगा। यारा प्यारा कियारा अप्पू टप्पू खचर पचर। जालिम सिंह भाग कहाँ रहा है, रुक। अरे मैडम कहाँ है, मच्छर मन चला है, मक्खी का नाम कला है। वेल तुम्हें किस बात की है जल्दी इस दा, नमक मिर्च हल्दी इस दा। अरे पर दादाजी उन लोगों का फिर से मुझे लेटर आया है, 5 लाख रुपए मांग रहे। कह रहे कि कल तक हमें 5 लाख रुपए दे दो। लेटर में लिखा है कि अगर अगर कल तक हमें 5 लाख रुपए नहीं मिले तो दो पहलवान की बेटी को तुम्हारे नाम से लव लेटर भेज दिया जाएगा और तुम्हारी हालत गरम पकौड़ी खस्ता कचौड़ी कर दी जाएगी, यही ना। अरे ये नहीं बताने आया हूँ, मैं पूछने आया हूँ कि अब मैं 5 लाख रुपए लाऊ कहाँ से। आयो माय हो आका पाका साका खचर पचर। अरे वाह देखो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। शहर में एक आदमी है जिसका नाम है पंजाब पंजाबी। उसने एक शर्त रखी है कि अगर उसे पंजाब लड़ाने में किसी ने हरा दिया तो उसे 5 लाख रुपया इनाम में मिलेंगे, और अगर नहीं हरा पाया तो 50,000 रुपये देने होंगे। बोलो है मंजूर, वरना सोच लो अगर कानून कुछ नहीं कर पाया और तुम उसे 5 लाख रुपए भी नहीं दे पाए तो तुम्हारे नाम से पहलवान की बेटी को लेटर भेज देंगे। फिर सोच लो क्या होगा, ना हड्डी होगी ना दांत होंगे ना पसली होगी ना जबड़ा। अच्छा अच्छा मैं समझ गया, बिल्कुल समझ गया। मैं 50,000 रुपए लगाने के लिए तैयार हूँ। वेल गलत है ये डिसीजन इस दा, मुझे 2 साल का मिल गया है इंट्रोडक्शन इस दा। एक्सटेंशन या दिस वन। अच्छा अच्छा गोपीनाथ गंडोत्रा वापस आ गए, पगार मिलेगा या तो 50,000 रुपए लोन दो ना। शना ये इतरो दालाई जी यानी तेरी यार सोपोवे। ए सुब्रमण्यम प्यारे पापा, तूने अभी ये जो कुछ भी बोला है ना ये मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन लड़ा रहा है तू मुझसे पंजा, अभी करूंगा तुझे गंजा। बाप रे ये तो बहुत टफ है, मैं इसके सामने तो हार जाऊंगा। मच्छर मन चला है, मक्खी का नाम कला है। क्या बात कर रहे हो, हम पैसे भर चुके हैं, पैसे वापस नहीं मिलेंगे। पिंगरू पिंगरू चिंगरू खचर पचर। कोई जो पंजा से पंजा लड़ा सके है? लूथरा दिखने में साफ सुथरा, ये लड़ाएगा तुमसे पंजा, इसे तो कर दूंगा मैं गंजा। नहीं। शोर के सन्नाटे में चावल मिला दूंगा आटे में। चल इधर आ, चलो चलो चलो, मच्छर मन चला है, कुछ नहीं मक्खी का नाम कला है, अब भी हरा दोगे। मैंने इधर आई एम नॉट प्रोफेशनल ओके। धीरे से धीरे धीरे से अपनी जीत हो उनकी हार, हाँ कोई हम
जीत न पावे चले चलो चले चलो मिट जावे जो टकरावे चले चलो मेरा हाथ कहाँ? शर्त लगी थी एक आदमी के साथ पंजा लड़ाने की, लेकिन तुम लोगों ने यहाँ का नियम तोड़ा है। अब मैं तुम लोगों को तोड़ूंगा। शोर के सन्नाटे में चावल मिला दूंगा आटे में। चीटिंग है ये। है कोई? है कोई जो तुम्हें बचाने आ सके? नहीं, कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि पंजा से और मौत से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। शोर के सन्नाटे में चावल मिला दूंगा आटे में। मम्मी! अरे 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 पंजा जी मारे बाल को तो गलती होगी है, बच्चा समझ के माफ कर दो इन्हें। वो क्या है ना, पुलिस में है तो ज्यादा खून ज्यादा गर्म हो जाता है कतई। तो ये चूहे पुलिस में है, चूहों को बचाने के लिए चूहिया आई है। अरे भाई, अरे देखो वर्दी में चूहिया आई है। चूहिया, अपने चूहों को यहाँ से ले जा इससे पहले कि शेर को गुस्सा आ जाए। शोर के सन्नाटे में चावल मिला दूंगा आटे में। है कोई और? आ जाओ चलो, आ जा अभी। तुम लोग सब चौकी चलो, मैं आती हूँ। मैडम आप? हाय, जितना बोल रही उतना कर ले। हैं, आ गई बात समझ में? तैने आ गई, अब उसने समझा के आती हूँ। चलो अब निकलो यहाँ से। हजर पचर चलना, निकल निकल यहाँ से, चल। हाँ भी तेरे को स्पेशल होता दूँ, जा ले। हाँ। चल निकल ले अब। है कोई माइकल लाल जो पंजा से पंजा लड़ा सके? शोर के सन्नाटे में चावल मिला दूंगा आटे में। है कोई? तो चूहों को छोड़ के चूहिया वापस आ गई। अच्छा, लगता है चूहिया को गुस्सा आ रहा है। ज्वालामुखी चौड़ाला हो रखे हम, दिखने में आइसक्रीम, फट जाए तो बम। है दम।